क्या बात है, ASA, ठीक है ना, वो फिल्म कितनी फास्ट, आपको क्या खींचना है उस हिसाब से फिल्म। हम 100 ASA की फिल्म लेते थे, 200 ASA की फिल्म लेते थे, 800 ASA की फिल्म लेते थे, या 1600 ASA की फिल्म लेते थे। आपको खींचना क्या उस पर डिपेंड करता था। आज की तारीख में फिर कहना फोटोग्राफी खत्म हो गया, अब डिस्प्लोग्राफी हो गई, तो अब डिजिटल हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ ISO उसी के लिए हमें बहुत कम लाइट मिलने वाली है ना, हमें बहुत डिटेल वाला फोटोग्राफी करनी है, हम लोग 800 ASA की फिल्म इस्तेमाल करते हैं। ये फीचर आपको ISO के नाम पर इस पे मिल जाता है। तो कोशिश करते हैं ISO जितना कम से कम रहे, जितना कम से कम रहे। क्योंकि अगर आप हमारा ISO ज्यादा अगर हमने खोला तो डिटेल जो है ना वो गेम बन जाएगा, डॉट डॉट से दिखने लगेंगे गेम जाता है ना। हाँ, फुल फ्रेम कैमरे जो है ना उनमें ISO का प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, ये आपको प्रॉपर लाइट, अच्छा उसके बीच की लाइट, फोटोग्राफी ये कतई नहीं कर कहती है कि जो दिख रहा है उससे ज्यादा खींचो, ये बीच का रास्ता है। हमें आपके चेहरे पर, ठीक है ना, अगर आपके पास फोर अपर्चर का कैमरा, ये फोर अपर्चर, ठीक है ना, फोर अपर्चर का कैमरा है, ये फ्लैश इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हमारे, ये ISO बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये ISO बढ़ा रहे हैं, ISO बढ़ा रहे हैं। और अगर उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगा, जो दिख रहा है उससे अगर ऊपर जो दिख रहा है वो खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चाहते हैं कि नहीं और जरा अच्छा दिख जाए, और लाइट खुल जाए, ये ISO बढ़ाएंगे, ISO बढ़ाएंगे कि नहीं। ISO मेरे कैमरे में 25,000 तक जाता है, 25,000 तक जाता है, बट एक अच्छा आप जो स्टूडियो ये लाइट्स लगा के स्टूडियो से फ्लैश चलता है, फ्लैश, ठीक है ना, अभी स्पीड पे भी तो आना है। तो अब जो फ्लैश करते हैं ना उसके साथ में 100 ISO पर शूट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लाइक मैं दिखाता हूँ, वो अभी क्लियर कर दूं कि मैं इसका आलोचक क्यों हूँ और इसका प्रेमी क्यों हूँ, मेरी बैटरी तो जाएगा ना। हमदर्द का नाम सुना है, हमदर्द, हमदर्द के वो ये हमदर्द के लिए शूट किया था मैंने गाने, ये 100 ISO का ही फोटो है, अम्ब्रेला लाइट के साथ में है और ये कैनन से नहीं खिंचा है, ये निकॉन से खिंचा है D800T से। तो आप अपने कोई फोटो निकाल लीजिए कोई भी, ठीक है ना, और उसको ऐसे बढ़ाना चाहिए, पिक्सल फोटो पिक्सल्स बैठने लगते हैं ये, और इधर आ रहा है ये सर, आ रहा है और है आ गया वीडियोग्राफी हो रही है, ये चैनल में ज्यादा काम रहता है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है, स्पीकर नहीं जुड़ेगा इसमें, सुनाई नहीं रही है सर आवाज, सर मतलब ये रो नहीं रही आवाज, देखो तुम ही लोग बोल रहे हो।
आप देखिए ये वाइड एंगल है। वो होता है 6 mm और ये 15 mm है, 15-30 ये लेंस का जो पावर है, ये ऊपर जूम है, ये 15-30 15 mm तक है और ये 30 तक है, तो ये रिशेप कर देगा चीज़ों को। प्राइम लेंस जो है तो आप मान लीजिए किसी कैमरा आपने लगा किसी को बुलाने का शॉट करना है, लेकिन आपको हाथ का क्लोजअप करना है, आप ऐसे करोगे ऐसे, ठीक है ना। और अगर हम कहें लाइन ऑफ आर्ट ये कहता है कि ऐसे बुलाना चाहिए, ये ज़्यादा क्लियर क्या है। अगर आपने और मान लीजिए यहाँ से कैमरा लगा दिया ऐसे ऐसे करो तो बगलों को, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ आर्ट ये कहता है कि आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना वो क्लियरिटी से दिखाई जाए। कई बार होता है फुटेज जो होता है ना वो अपने आप में कुछ कह देता है, ऐसा ही फिल्माया जाता है आज। और आपकी जो इंडस्ट्री है ना, पहले वो तो कट टू कट लगाते थे, कट टू कट, अब ओवरलैपिंग चलती है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आज की जो एडिटिंग है हम इनसे बात कर रहे हैं, तब तक इन्होंने बोला बोल दिया तो ओवरलैप करेंगे। पहले क्या करते थे इनसे बोलना, इनका शॉट लगा दिया, इन्होंने बोलने लगे भाई। नेचुरल ये है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला तब मैं इनकी तरफ देखूंगा ना, नेचुरल तो ये है कि नहीं। कैमरा कैमरे को पहले से मालूम है, ये बोल रहे हैं इनसे हम बात कर रहे हैं, ये बोलने लगी घर आ गया, नहीं आ गया ना, ये ओवर है। ये स्मार्ट एडिटिंग है। लाइन ऑफ आर्ट यही कहता है कि जो आप दिखाना चाहते हैं, आप हीरो डांस कर रहा है, हीरोइन डांस कर रही है, कुछ भी, उसके पीछे 500 लोग भी डांस कर रहे हैं, आप किसी को पहचानते हैं क्या? ये सिनेमेटोग्राफी यही है कि हम जिसको फोकस कर रहे हैं हम उसी को हाईलाइट कर रहे हैं, हम जो दिखाना चाहते हैं हम वो ही दिखाएं। अब आंसर होगा इस स्क्रीन में प्रेजेंट है, वही बात है। वर्तमान करना चाहेंगे मेरा क्लोजअप खींचने के लिए, हाँ बताएं। और ये इन्होंने टेली भी खींचा तो फोटो क्लियर है, हमारा चेहरा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, गड़बड़ नहीं हुआ है। तो हमेशा जो क्लोजअप खींचते हैं उसके लिए हम लोग टेलीफोटो लेंस ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वाइड को फुल लेंथ खींचना कुछ भी करना है तो पोर्ट्रेट लेंस लगा लो, ये प्राइम लेंस लगा लो, ये रेगुलर यूजर को कोई लेंस इस्तेमाल कर लो, वो चल जाएगा। बट जितना टैली है ना वो क्लोजअप के लिए, उल्टा है ना यहाँ पर भी, जैसे अपर्चर का बटन है, ये बटन का बहुत एक लॉजिक है और भी बोल के बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ कहीं अपर लेंस होगा ना तो ये एक से दिखेंगे, अगर हमने ऐसे खींच दिया ना ये नाटे हो जाएगा, हमने ऐसे कर दिया ये लंबे हो जाएगा। सब मूवीज में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बहुत इंच बट बटन वाला बता दूँ थोड़ा पहले बटन। हम लोग बाइक करते हैं ना, जो न्यूज़ के लिए बाइक करते हैं ना, वो 2.5 बटन होता है, 1, 2, 2.5, उसका फार्मूला ही 2.5 बटन। क्यों? कि पहली पट्टी होगी, ठीक है ना, दूसरी पट्टी होगी, ब्रेकिंग हो गई, आईडी हो गई और उसके बाद चेहरा हो गया, ठीक है ना। हेडरूम नहीं देते, हेडरूम के लिए जगह नहीं होती। हाँ, अब कई बार दिक्कत आती है कि आपने बीबी पाल कैमरा इस्तेमाल कर लिया और अब HD में जाने लग गए। अगर आप किसी न्यूज़ चैनल में मान लीजिए आपको फ्रेंचाइजी मिल गया कानपुर से, आप कर दे दीजिए ये दीजिए, आपका TV कैमरा, तो आप मालूम क्या करेंगे, अगर HD के लिए कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे जो मार्जिन छोड़ देंगे। कैम और स्टडी दो चीज़ों को चलाने के लिए थोड़ा सा आपको वर्कआउट जरूर करना पड़ता है, वरना आपका चिक चला जाता है, ठीक है ना। ये आधा जो पार्ट है ना, ये भी आधा पार्ट है। वो जो कैमरा चलाया है मैंने, वो जो बच्चे के साथ में एक्चुअली में, वो इतना कैमरा इतना नीचे चल रहा है, देखा ना आपने, वो कैमरा इतना नीचे चल रहा है, इतना नीचे मैं कैसे दौड़ूंगा, उतना नीचे कैमरा भी नहीं जा रहा। तो मैंने इसको क्या किया है, वो आपकी क्रिएटिविटी, आप क्या करना चाहते हो,
मैंने कैमरे पे ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे पकड़ा हुआ है और मैं ऐसे पकड़ा, उल्टा रिकॉर्ड हो पोस्ट पे जाके सीधा कर लूँ, पोस्ट पे जाके सीधा कर लूँ। एडिटिंग में बहुत कुछ सब देख, आप पानी नहीं बरसाना पड़ता है मालूम है, एडिटिंग नहीं हो जाता अभी, वो गीला करके शॉर्ट कर लिया जाते हैं क्योंकि अब पानी नहीं बरसाना पड़ता। अभी विनय को नहीं बुलाया गया, अभी सीख लेता हूँ। शॉकर का काम करते हैं, तो जब फाइटिंग सिक्वेंस या किसी को फॉलो करना और आना जाना है ना, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त टूल है ये। आप जब आप चल रहे होते हैं ना, तो ये देखिए, ये पूरा शॉकर की तरह काम करता है। और वेट ये यहाँ इसको दर्द होने लगेगा, बाकी पहली बार मैंने इसमें ये उंगली भी दर्द करना, तो ये ऐसे शॉकर की तरह आप चलते फिरते कहीं से भी शॉर्ट करते चले जाते हैं, किसी को लेके जा रहे हैं, इससे आपको ट्राईपॉड की जरूरत नहीं है, चलता फिरता ट्राईपॉड है आपके पास। और सिर्फ और नीचे पकड़ा नहीं जाता इसे, बस एक सहारे की जरूरत होती है, बस स्टडी। और गिम्बल को चलाते टाइम एक बात का ध्यान रखते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा पहन स्टडी, अब गिम्बल जब चलाते हैं ना, आपके पैर बैंड होने चाहिए, ये शॉकर है, ठीक है। अगर आपने सीधा चला तो वो फिर वो चाल आपकी दिखाई दे जाएगी, बट आप थोड़ा सा ऐसे शॉकर हो जाते हैं ना, फिर आप लेके चले जाते हैं। तो पैर बैंड होने चाहिए, कमर नहीं झुकनी चाहिए, कमर झुकाएंगे तो बात तो वही, आपके पैर सीधे हैं, आपका कैमरा हिलेगा। अच्छा, वीडियो में जब आप करते हैं इसको, तो आप जब पोस्ट पर जाते हैं, फिर ज़रा सा कैमरा तो वर्क लेता ही लेता है, मिलता है ज़रा, वहाँ स्टेबलाइजर स्टेबलाइज कर लेते हैं उस वीडियो को, तो वो उसकी शेकिंग को कट कर देता है, तो आपको एक एक से कैमरा दिखाई देता है। अब कई बार आप शॉट देखते भी होंगे कि ये लोग बैठे हैं, ऐसे ये लोग बैठे हैं, अगर हम यहाँ से कैमरा लेके जाना तो मेरे पास जगह नहीं है, नहीं है, बट आप शॉट देखते हैं, देखते क्या करते हैं, फिर ऐसे किया तो जब शॉट आप वीडियो में देखेंगे ना, तो लगेगा इनके ऊपर से उड़ के कैमरा छिड़े, इसीलिए से ग्लाइड कैम। दूसरा टूल हमारे पास, हमने बताया था ना, जूम अलाउड नहीं है सिल्वर मशीन में, जूम सिर्फ आपकी एक सुविधा।